नमस्कार दोस्तों, आपका एसटीआर खेती में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं सतीश कुमार, आप देख रहे हैं एसटीआर खेती। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पूसा अपघटक कैप्सूल के बारे में। इसका नाम यदि आपने नहीं सुना है या इसके बारे में आपको नहीं पता है तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और यदि आपने पहले देखा है तो जो आज हम और डिटेल बताने जा रहे हैं वो जानकारी आपको कहीं से नहीं मिली होगी। और थोड़ी जानकारी और बताएंगे कि इसको हम कहाँ से मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले हम बता दें कि यदि आप पूसा अपघटक कैप्सूल के बारे में नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। ये कैप्सूल एक अपघटक का काम करता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि वेस्ट डिकम्पोजर ठीक उसी प्रकार से काम करता है, लेकिन ये पूसा संस्थान द्वारा एक निकाला गया वेस्ट डिकम्पोजर कैप्सूल के रूप में है, जिसका आप अपने गेहूँ की नरवई, धान की नरवई या अन्य जो खेत से अपघटक निकलते हैं उनको जो है खाद के रूप में तैयार कर सकते हैं। तो इसको आपको तैयार कैसे करना है, इसके चार कैप्सूल की किट आती है, वो चार कैप्सूल को आपको प्रयोग करना है। और चार कैप्सूल के लिए आपको 150 ग्राम गुड़ की आवश्यकता होगी, इसके साथ 50 ग्राम बेसन की आवश्यकता होगी और 1 से 2 लीटर आपको पानी लेना होगा। और उसको पानी में पहले गुड़ डाल दीजिए और उसको थोड़ी देर गर्म कर दीजिए। जब गुड़ अच्छी तरह से गर्म होकर पिघल जाए, उसके बाद एक आपको ऐसा बर्तन लेना है जो ऊंचाई में कम हो लेकिन चौड़ाई या लंबाई उसकी ज़्यादा हो, तो उस बर्तन में डाल देना है और उसमें बेसन डाल देना। उसके बाद आपको इन कैप्सूलों का प्रयोग करना है। कैप्सूल प्रयोग करते समय कुछ सावधानी रखनी है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जीवाणु मिलाए गए हैं जो फंगस का काम करते हैं और सड़ाने का काम करते हैं। इसलिए बताया गया है कि इसके प्रयोग करते समय कुछ सावधानियां रखना जरूरी है, नहीं तो मनुष्य को भी इससे नुकसान हो सकता है, यानी आपको भी इससे नुकसान हो सकता है। इसलिए इसका प्रयोग करते समय कुछ सावधानियां रखनी है। अब जो सावधानियां रखनी है पहले उसके बारे में बता दें। आपको कुछ सावधानियाँ इस प्रकार से रखनी है, जब आप इन कैप्सूलों को घोल रहे हों तो उस समय आपको कान में रुई लगा लेना है, नाक में रुई लगा लेना है, चश्मा लगा लेना है या हेलमेट हो तो सबसे अच्छा है, और मुंह को भी ढकना है। इसके साथ साथ आपको दस्ताने पहन लेने हैं, क्योंकि दस्ताने नहीं पहनोगे तो कहीं ना कहीं फंगस के जीवाणु आपके हाथ में लगेंगे और वो आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। अब ये सावधानियाँ रखनी है, यही सावधानियाँ ठीक प्रयोग करते समय रखनी है। जिस प्रकार से आप रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते समय जो सावधानियाँ रखते हैं, ठीक वही सावधानियाँ आपको इसमें भी रखनी है। तो इन सभी का ध्यान रखना है। इसके बाद आपको कैप्सूल जो है उसमें तोड़ करके यानी खोल करके डाल देने हैं। आप इस प्रकार से समूचे कैप्सूल भी डाल सकते हो, पानी के साथ घुल जाएंगे। और उसके बाद आपको करना क्या है, 4-5 दिन उसको ढक के रख देना है। 3-4 दिन के बाद देखेंगे तो उसमें जो है अलग अलग तरह का कलर कहीं कहीं दिखाई पड़ेगा, नीला, हरा, काला या किसी अन्य प्रकार का कलर हो सकता है। तो वो कलर धीरे धीरे बदलता रहेगा और धीरे धीरे एक परत जो है फंगस के ऊपर बनती रहेगी। जब आपका ये वेस्ट कंपोजर तैयार हो जाए, यानी 8 से 10 दिन तक आप उसको रख दीजिए, 8 से 10 दिन में वो तैयार हो जाएगा, उसके बाद आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग करने में जो तरीका आपको करना है वो जानकारी हम किसी अगले वीडियो में देंगे, क्योंकि इसमें यदि हम जानकारी देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब आपको ये प्राप्त कहाँ से होगा, तो इसके लिए आपको बता दें आप पूसा संस्थान दिल्ली से मंगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमने इसको मंगवाया है, जब वो आ जाएगा तो हम एड्रेस वो भी बता देंगे कि आप किस प्रकार से यानी किस माध्यम से मंगा सकते हैं, क्योंकि हमने एक फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट किया था। अभी हम वो नंबर आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन ज्यों ही हमको ये कैप्सूल प्राप्त होंगे तभी हम आपको बता देंगे टोटल कितना खर्चा आने वाला है, यानी पार्सल का खर्चा और पोस्टल आर्डर का खर्चा कैप्सूल के। यानी एक कैप्सूल की कीमत 5 रुपये है, इस प्रकार से 4 कैप्सूल की जो किट है वो 20 रुपये की है, लेकिन पोस्टल आर्डर का कितना खर्चा आएगा पूरी डिटेल आपको हम अगले वीडियो में यानी जब वो हमको प्राप्त हो जाएगा तब हम इसकी जानकारी दे देंगे। उम्मीद है किसान दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पास में बनी बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे जो भी हम जानकारी आपको दें वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो किसान दोस्तों, इसी प्रकार से आप हमारे चैनल पर बने रहें, हम ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारी आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।